सूफीसंत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 807वें उर्स के दौरान आज राज्यपाल कल्याण सिंह की जानिब से ख्वाजा साहब के मजार पर चादर और अकीदत के फूल पेश किए गए। राज्यपाल कल्याण सिंह ने ख्वाजा साहब के मजार पर चढ़ाई जाने वाली चादर सौंपी। राज्यपाल के परिसहाय डॉक्टर दीपक और राज्यपाल के सहायक निदेशक डॉक्टर लोकेश चंद शर्मा ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने चादर पेश करने के बाद अमन चैन की दुआ मांगी और राज्यपाल का पैगाम बुलंद दरवाजे पर पढ़कर सुनाया। के माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी ने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 807वें सालाना उर्स पर चादर भेजी है। माननीय राज्यपाल महोदय ने इस मौके पर संदेश भी भेजा है। मुझे खुशी है कि सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 807वां सालाना उर्स अजमेर में मनाया जा रहा है। मैं इस मौके पर प्रदेशवासियों की ओर से चादर पेश कर रहा हूं। ख्वाजा साहब ने इंसानी मोहब्बत का पैगाम दिया। गरीब और यतीमों की मदद करने के कारण ही उन्हें गरीब नवाज के रूप में जाना जाता है। सालाना उर्स के मुबारक मौके पर मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। मैं प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए दुआ करता हूं। जियारत के लिए यहां आ रहे जायरीनों और आप सभी को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात के साथ कल्याण सिंह, माननीय राज्यपाल, राजस्थान। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।